ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट तस्वीर है, जिस सैटेलाइट तस्वीर ने बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया है। और इस हड़कंप का असर ये हुआ है कि अमेरिका भागा भागा भारत की शरण में आया हुआ है, अमेरिका को मजबूर कर दिया है इस सैटेलाइट की तस्वीर ने। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब IMF को सीधे सीधे मना कर दिया है। जहाँ एक तरफ IMF ने भारत के बारे में खुलासा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अड़ंगा अटका दिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आ गई तो ईद बरात, नहीं तो काली जुम्मेरात, ये पाकिस्तान का सिद्धांत पहले भी था और अब भी है। पहले कटोरा इमरान खान के हाथ में था, अब शहबाज शरीफ के हाथ में है। लेकिन हालत पाकिस्तान की ऐसी है कि एक तो चौतरफा हमला हो रहा है, अब तो हर दिन लगभग हमला हो ही रहा है, जिसकी वजह से तो अब मीडिया ने भी इसे छोटे कोने में कहीं जगह देना शुरू कर दिया है। जहां पहले हेडलाइंस बनती थी कि पाकिस्तानी सेना के इतने जवान मारे गए, यहां पर आतंकी हमला हो गया है, तो अब मीडिया भी उसे छोटा सा कोना ही दे रही है कि यहां पर कराची में हो गया है या मेन बाजार में हो गया है। तो ये तो चलता ही रहता है, रोज की कहानी अब बन गई है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान बहुत जल्दी आपको श्रीलंका की स्थिति में नजर आएगा, ये तो तय मानिए। और ये बयान कौन कर रहा है, ये बयान कर रही है उसकी करेंसी। इस वक्त $1 पाकिस्तान में है 196 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से करेंसी गिरे जा रही है। राजनीतिक रूप से अस्थिरता कायम है, ऊपर से अफगान और तालिबान ने नाक में दम कर रखा है। ISI चीफ अफगानिस्तान पहुंचा है कि किसी तरीके से TTP को साथ देना बंद करो, हमारे देश में शांति को स्थापित करो, पर कुछ हो नहीं रहा है। इन सब के बीच IMF ने एक डेटा रिलीज किया था और IMF की ये डेटा ये कह रही है कि भारत 2026 तक $5 trillion वाला अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत ने अपना टारगेट हालांकि 2023 रखा था, लेकिन IMF का कहना है कि 2023 तो नहीं पर 2026 तक भारत इस सिचुएशन पर पहुंच जाएगा। अब भारतीय सरकार का कहना है कि नहीं, आप देखना वक्त ऐसा बदलेगा कि ये जो 26 की बात कर रहे हैं ये पहले ही हो जाएगा। खैर, जिस तरीके से इस वक्त पूरा वातावरण भारत के साथ में है, पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इस तरीके से चल रहा है कि भारत को फायदा मिल रहा है, ऐसे में भारत ये टारगेट जल्द ही पूरा कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों का निवेश भारत में बढ़ा है, बहुत सारे देशों में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम बहुत सारी चीजें महामारी से पहले तक खरीदते थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारी चीजें जो हम पहले खरीदा करते थे वो अब हम अपने देश में ही बना रहे हैं और बनाने के साथ साथ बेच भी रहे हैं। ऊपर से अनाज की बात करें तो वहाँ भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे में हम जल्द ही अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जब IMF ने भारत से आंकड़े मांगे कि आप अपने सारे आंकड़े दो ताकि हम आपके GDP रेट को बता सकें, हम आपके लिए फोरकास्ट कर सकें कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, आपकी अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंच सकती है, तो भारत ने इसे बड़े आराम से दे दिया। लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान से मांगा IMF ने, तो पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं, हम डेटा आपको देने वाले नहीं है। हालांकि IMF को डेटा ना देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, लोन तो लेना है उसी से। पर फिलहाल के लिए पाकिस्तान की सरकार नहीं चाह रही है कि किसी तरीके का डेटा उनसे जाए, ऐसे में IMF न तो GDP बता पा रहा है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्या होगी, और न ही ये फोरकास्ट कर पा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि पाकिस्तान का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, ये तो निश्चित है। ऐसे इन सारी चीजों को पाकिस्तान ने बुलाया भी है खुद के लिए, अभी भी पाकिस्तान का फोकस अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का पूरा फोकस है भारत में किस तरीके से समस्याओं को खड़ा करें, कश्मीर का राग अलापना छोड़ना नहीं है, भारत के साथ व्यापार चालू नहीं करना है। खैर, अब इस देश को डूबने से तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बचा सकता है, पर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त बेहद परेशान हो गया है। और ये परेशानी तब बढ़ गई है जब डिटेल में निकल कर आया है कि आखिरकार क्या हो रहा था।
था और किस चीज को निशाने पे लेने की तैयारी में है चीन। ये जो आप देख रहे हैं बेस, ये बेस है गुआम बेस, और गुआम बेस अमेरिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सभी जानते हैं। वहीं अमेरिका और ताइवान के बीच इस वक्त रिश्ते काफी मजबूत चल रहे हैं, और अगर ताइवान पर हमला करता है चीन तो फिर अमेरिका उसे मदद करे या ना करे, लेकिन हथियारों की सप्लाई जैसे यूक्रेन को दिया वैसे ही देगा, ये बात भी निश्चित है। अमेरिका इस चीज को जानता है कि सबसे बड़ा हमला चीन की तरफ से ही होगा, अमेरिका के ऊपर होगा। जब भी चीन युद्धाभ्यास करता है अमेरिका की नजरें उस पर टिकी रहती है। अब चीन सबकी नजरों से बचाकर कुछ युद्धाभ्यास कर रहा था, लेकिन ये युद्धाभ्यास चीन ने पिछली बार भी किया था करीब 1-1.5 साल पहले, पर उस वक्त शायद उस तरीके से ध्यान नहीं गया था और अमेरिकन एजेंसी उस वक्त फेल हो गई। उन्होंने सोचा था शायद ये जनरल युद्धाभ्यास है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ होने जाने को नहीं। पर जब सैटेलाइट तस्वीरों का गहन रूप से अध्ययन करना शुरू किया तो ये सैटेलाइट तस्वीर निकल कर आई, और इस सैटेलाइट तस्वीर में एक बेस को बनाया गया था जो इस तरीके का बेस था, और इस बेस में एक डिस्ट्रॉयर टाइप का और उसी साइज का एक डिस्ट्रॉयर की आकृति बनाई गई। ये आपको बता दें, ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जगह है सिनजियांग से दूर एक रेगिस्तान जहां पर ये प्रैक्टिस कर रहा था चीन। अब इस डिस्ट्रॉयर को जो कि पहले इस तरीके का था, यानी इस पर जब मिसाइलों से हमला नहीं किया गया था तब ये इस तरीके का था, जब इसे DF-21 या किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट किया गया तो ये डिस्ट्रॉयर में इतना बड़ा छेद बन गया, ये पूरी तरीके से तबाह हो गया। मतलब अगर इतना बड़ा छेद बनता है तो समझ लीजिए कि वो तुरंत पानी में डूब जाएगा, एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा और वो डूब जाएगा। समस्या ये है कि ये जो आकृति बनाई गई बेस की, ये आकृति किससे मिलती है, तो ये अमेरिका के लिए रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तो ये मिल रहा था ताइवान के इस बेस से, और दूसरी जो आकृति थी वो मिल रही थी गुआम एयरबेस से। मतलब की चीन लगातार ये प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे गुआम एयरबेस को और ताइवान के नेवल बेस को बनाया जाए निशाना। वैसे आपने पिछली खबर में ये सुना होगा कि भारत को बहुत बड़े एड की घोषणा कर रहा है अमेरिका, एक तरीके से अपना पूरा खजाना खोल रहा है अमेरिका। तो दरअसल सच्चाई यही है कि अमेरिका को समझ में आ गया है कि रूस वाली रणनीति नहीं चलेगी कि दूसरे देश को रूस से लड़वा दो, यहाँ चीन हमारे गुआम एयरबेस पर या नेवल बेस पर हमला करेगा। ऐसे में भारत की मदद मांग रहा है अमेरिका। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।